अरे सभापति को नहीं लड़ी थी माँ को गाली वीडियो बनेगा सर। आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते, किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। मैं अपने जिला कप्तान, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, मैं अपने भारत सरकार से आग्रह करूंगी कि आप लोगों के द्वारा ऐसी सशक्त कार्रवाई उन जितेंद्र जी पर किया जाए कि दोबारा कोई शासन प्रशासन के द्वारा कोई गलती ना हो। और हम लोगों का ये कम्बिनेशन जो प्रशासन और समाज सेवी और समाज का है वो बना रहे। उन प्रशासनों से जाके पूछिए, मेरे सामने आप लोग को धमकी दी जा रही थी, तुम कह के इन पत्रकारों के, बड़े बड़े पत्रकार लोग बैठे थे, तुम कह के तुम लोग रात दिन थाने में आता है, तुम लोग वीडियो बना रहा है रे जितेंद्र जी ऐसे बोल रहे थे मेरे सामने। मैं एकदम थकबका के रह गई कि मीडिया कर्मी का सम्मान ये है और आर्मी मैन का सम्मान वो है और मेरे साथ जो बदतमीजी की महिला समाज सेवी का सम्मान ये, तो मैं क्या कहूँ। इस तरीके से अगर होगा तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि समाज को हमसे और हमारे प्रशासन से काफ़ी अपेक्षा है और ये अपेक्षा को अगर ये लोग लात मारेंगे, हमारे प्यार को दरकिनार करेंगे, नहीं समझेंगे, हमारे कम्युनिकेशन को तोड़ के चलेंगे, तो जनता मांगेगी अपनी काम, ये लोग सुनेंगे नहीं, तो उस स्थिति में हम लोग करेंगे क्या। और देख लीजिए, अभी दुखद इस बात की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट के साथ ये घटना हुई है, बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा। कोई संगठन, कोई दल, आज तक कुछ ऐसे लोग ही लोग पहुंचे हुए हैं, कल तक इन किसी की पता आता नहीं थी। मैं एकदम ललकार के कहूंगी, वैसे मौसम विभाग वाले, वैसे राजनीतिक कीड़ा काटने वाले लोगों से मैं ललकारूंगी कि जब आप समय पे खड़ा नहीं होते हैं तो आपको किसने अधिकार दिया चुनाव लड़िए और समाज को दारू मांस में डिवाइड करके और किसी गलत आदमी का चुनाव जितवाइए और समाज को भद्रेसर में बदल दीजिए। कहाँ है आपका किसी संगठन और सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के लोग? कहाँ है MP विधायक? कहाँ हमारे मोदी जी हैं, जिसके इतना आर्मी मैन से प्यार करने वाले हमारे मोदी जी अब तक क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं कि हमारे आर्मी मैन के साथ गलत हुआ तो गलत हुआ, सही हुआ तो सही हुआ, कुछ तो बोले ही लोग। आप लोग घेरिए ऐसे लोगों को, कौन सा सेलो टेप, कौन सा दलाली का सेलो टेप लगा इन लोग के मुंह पे, जो एक आर्मी मैन के साथ इतनी बदतमीजी से वीडियो वायरल हो चुका है और इसके बावजूद भी किसी के मुंह में जबान नहीं है जो एक शब्द जायज बोल दे। क्यों जबान बंद है इन लोग का? सिर्फ पूर्णिमा भारती क्यों इनका शिकार बन रही है सभी को? बाकी लोग कहाँ हैं? हमारे रक्सौल में क्या लगता है, चुनाव रहता तो सब हो जाता? हाँ, चुनाव रहता तो थाना का मामला है, नहीं आता लोग, क्योंकि रात दिन लेनी देनी चलता है ना। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कहना कि सिर्फ पूर्णिमा भारती आई, रंजीत सिंह भी तो आया, इसको कैसे लेती हैं? कहाँ थे रंजीत सिंह? कहाँ थे कल तक रंजीत सिंह? आप बताइए कहाँ थे, पूछिए उनसे कहाँ थे। मैं ओनली वन अकेली थी आप लोग के बीच और आप लोग थे और कोई नहीं था। मैडम कोई अकेला चलता है, बाद में कारवा बनता है ना। चार दिन के बाद इस साल मरेंगे, अगला साल रोने आइएगा, क्या बात है। चार दिन के बाद कारवा बनता था, आज के चार दिन के बाद मैं भी आप लोग के बीच आता हूँ। कितना लोग आया है ये जगाने का मुहिम, कल मैं आके मोतिहारी में दिन भर आके मैं की हूँ, तब इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये मैं जगाई हुई, सब लोग सोए। गांधी जी अकेले चले थे तो ठीक है, मैं भी चली हूँ, काफिला बनता जाए, बने ना बने, मुझे जिनसे मांग करना है, मैं SP साहब से, मैं शासन बाबू हमारे मुख्यमंत्री से मैं मांग करती कि आप लोग जल्द से जल्द उचित न्याय करें, जो ये मामला शांत हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुहिम में मैंने
जितने आप लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, दिल से साधुवाद। आप सभी मीडिया कर्मी को मेरे दिल से धन्यवाद और सैल्यूट, जिस तरीके से आप लोग हमारी मुहिम को चला रहे।